बिहार में पुल गिराने वाला जो एक क्रांति भी जो प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख रहा था, 12 तारीख को उसने एक भोज का आयोजन किया था। हाँ कांग्रेस ने उसे ठेंगा दिखा दिया है, न खड़गे जाएंगे न राहुल जाएंगे, केजरी कूदते हुए जाएगा, ये एक इसकी बात सामने आई है और कोई जा नहीं रहा है। इसकी तो नेतागिरी की हवा निकल गई। वो स्टालिन भी कह दिया, जिसके राज में जाकर के उस बिहार के पत्रकार को यूएपीए लगवा करके अंदर डाले हुए, स्टालिन ने भी कहा कि दुकान अपनी बंद करो, ये 32-34 विधायक लेकर के जो प्राइम मिनिस्टर नेता बनना चाह रहे हो, सब नेतागिरी तुम्हारी निकाल देंगे। नहीं तो मनीष जी, खबर आ गई, वो तो कैंसिल हो गई, वो भंबट हो गया, वो बैठक कैंसिल हो गई जो बिहार में होने वाली थी, वो कैंसिल हो गई। और संभवतः नरेंद्र मोदी अब बिहार जा रहे हैं, अमेरिका या जो है उनकी शायद कोई रैली होने जा रही है, वो तो भंबट हो गई। वही फिर आप हंस देंगे और दर्शक भी है कि दाल चढ़ाई गई लेकिन वो दाल पके उससे पहले जूते में बट गई, वो ये दाल जूते में ही बटेगी 2024 तक इसी तरह से। और उसकी कहानी मनीष जी कुछ लोगों को मालूम होगी शायद कि हुआ है कि ये मनीष जी कांग्रेस में प्रपंच हुआ कि अगर ये पटना में सारे आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और नीतीश कुमार कराएगा, वो चीफ मिनिस्टर है, सरकार है वहां पे, तो नीतीश कुमार नेता हो जाएगा, तो पटना जाना ठीक नहीं है। तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं नहीं पटना में नहीं, ये अब ये 23 तारीख को शिमला में कराओ। और वो जिसकी आप बात कर रहे हो स्टालिन ने भी कहा कि हाँ नहीं नहीं शिमला में ही ठीक रहेगा, 12 को मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये अभी बैठक एक साथ बैठने को तो तैयार नहीं है, ये ऊंचा हो जाएगा वो नीचा हो जाएगा, तो समझ लीजिए। और ये मिलकर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक तो तमाशा है लेकिन कहीं मतलब वो हालांकि नहीं छिप टूटेगा, लेकिन ये अगर सरकार समझ लीजिए इस तरह के लोगों के हाथ में आ गई तो कैसे लूटेंगे, कैसे नोचेंगे, खसोटेंगे देश को, ये इसका एक नमूना है इस बैठक का। अभी मैंने कहा ना कि दाग चढ़ी नहीं थी, जूते में बटने लगी, तो ये देश को किस तरह से करेंगे। इसीलिए हमने आप ही से कहवाना चाहा था कि भाई वो जूते में दाल बटने, ये तो भोज आयोजन कर रहा था पटना में, हम बुलाएंगे, और हमने इसी पटना में इसने भोज दिया था प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और कैंसिल कर दिया था। तो अपने कर्मों की सजा भुगतनी है। ये हम लोगों ने इसको हल्के फुल्के ढंग से कहा, ये बहुत गंभीर संदेश है जो जो इनके लिए ढोल बजाते हो खैराती हो अंजुम हो फलाने ढिमाके, कि सोच लीजिए कि ये एक दूसरे के यहाँ बैठना नहीं बर्दाश्त था इनको, केवल मोदी विरोध के नाम का एक गोंद है जो इनको जोड़े हुए है, बाकी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, एक दूसरे का नाम नहीं सुनना चाहते। और इस तरह के लोग मिलकर नरेंद्र मोदी को हटाने और हराने की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसा चुटकुला चल रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में, ये आप समझिए। बिल्कुल, और इसीलिए हम लोगों ने कल एक विषय चुना था जिसपे विश्लेषण किया था कि ये मोदी विरोध में, मोदी नफरत में, खाक में मिल रहे हैं, लकीर इन्हें अपनी बड़ी करनी चाहिए, लेकिन दिन रात मोदी के खिलाफ षड्यंत्र करने के खेल में ये पूरी तरह से अपने आप को खत्म कर रहे हैं। प्रतीक जी का जाते जाते एक सुपर चैट का है कि सर सॉरी पर दोबारा पहुंचूंगा, रागा देश विरोधी क्यों है, पूछूंगा चा, हमारा हमारा प्रयास हमारे पास इजराइल की तरह अच्छा विपक्ष क्यों नहीं है। नहीं, इसके लिए तो प्रधानमंत्री भी कह चुके हुए हैं। नहीं नहीं प्रतीक जी, ये दुर्भाग्य है, अन्यथा ये इससे पहले हिंदुस्तान में विपक्ष हमेशा बहुत बढ़िया रहा, हमेशा बड़ा श्रेष्ठ विपक्ष रहा, चाहे वो जो भी रहे हो, आप उठा के देखिए हिंदुस्तान का इतिहास, जब नेहरू भी था तो विपक्ष में राम मनोहर लोहिया, आचार्य जेबी कृपलानी, आचार्य नरेंद्र देव जैसे दिग्गज हुआ करते थे। इंदिरा गांधी के समय में अटल जी आ गए, आडवाणी थे, या और भी जो मनी जी समाजवादी नेता थे, चौधरी चरण सिंह थे, बहुत एक बड़ी लंबी कतार थी। और अभी तक बाद में भी चंद्रशेखर का नाम लेना, अगर नहीं लेंगे तो उनके साथ अन्याय करेंगे, चंद्रशेखर थे तो बोलते थे सदन में तो होती थी। ये मनीष जी, ये प्रतीक जी से कहना चाहूंगा कि ये जो आदमी, इससे आप उम्मीद क्यों कर रहे हैं, ये मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि इटली की रहने वाली एक कट्टर कैथोलिक ईसाई की ईसाई माँ और कट्टर पारसी पिता, मैं अभी बताता हूँ मनीष जी मैं कट्टर पारसी पिता क्यों कह रहा हूँ, कि कट्टर पारसी पिता और कट्टर कैथोलिक ईसाई माँ का बेटा, उसका हिंदू धर्म से या हिंदुस्तान से या हिंदुओं से कोई लगाव हो ही नहीं सकता, कोई लगाव हो ही नहीं सकता। और ये बता दूं कि मैं कहा कि फिरोज गांधी का परिवार जो है
वो आज भी मनीष जी रायबरेली और लखनऊ में उनके बहुत से लोग रहते हैं, हालांकि वो इस परिवार से बहुत घृणा करते हैं, इस परिवार के साथ वो कभी नहीं दिखते ना, इस परिवार से उतना कोई संबंध रखते हैं, लेकिन वो अपने धर्म के प्रति बहुत निष्ठावान है, वो अपने धर्म से विचलित नहीं हुए, वो ऐसा नहीं हुआ कि वो कोई फिरोज गांधी गांधी लिखने लगा था वो लोग भी गांधी लिखने लगे, किसी ने गांधी आदि नहीं लिखा, तो वो एक कट्टर पारसी परिवार, बाप का बेटा और कट्टर कैथोलिक ईसाई माँ का, वो भी इटली की, तो अब बाप समझिए जब इसके ठीक से इसका बुद्धि नहीं आई थी तब बाप रहा नहीं, उनका देहांत हो गया राजीव गांधी का, तो ये पूरी तरह से उसी इटली की ईसाई के संरक्षण में उसी की देखरेख में दीक्षित हुआ है, तो हिंदुस्तान से इसका क्या लेना देना, इसका विपक्षी राजनीति से नहीं, इसके इसकी उसी में समझिए इसके जो इसको ग्रूमिंग हुई है वही वही दोषपूर्ण है, उसी में त्रुटि है। अब ये दुर्भाग्य से ये नेता विपक्ष हो गया, क्योंकि बड़े दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर ऐसे स्तरहीन लोगों लोग आ गए कांग्रेस में, उन्होंने इसको नेता मान लिया। बिल्कुल, और इसीलिए ये उम्मीद इनसे नहीं की जा सकती है कि विपक्ष की भूमिका नहीं, जिसका विपक्ष की भूमिका तब विपक्ष की तो सही मायने में सरकार चलाती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम की रीढ़ ही तो विपक्ष होती है, लेकिन यदि उस विपक्ष का देश के में आस्था ना हो तो विपक्ष की भूमिका कैसे निभा पाएगी। लेकिन ये सब खाक में मिल रहे हैं कि देश इस लायक भी इन्हें नहीं छोड़ेगा, विपक्ष सर लीडर अपोजिशन की तो हैसियत ही नहीं है, ये तो इन्हें खैरात में मिला हुआ है, लीडर अपोजिशन इन्हें खैरात में मिला हुआ है और उसी खैरात को वो जी रहे हैं। ऋषि निगम जी कह रहे हैं कि व्हाट इज द फैमिली नेम ऑफ फिरोज गांधी, गांधी था और गांधी था गांधी जिसे गुजरात में कहते हैं अभी भी है, तो बड़ी चालाकी से वो गांधी बना दिया गया। खैर इन सब चीजों में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं,